और मेरे छोटे छोटे डांस कैसे लगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी प्यारी दोस्त शिखा। उम्मीद करता नहीं रो लोग बढ़िया होगा, मजा में होगा और खुश होगा, होके की चाहिए हरदम। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे सॉन्ग पे रिएक्ट जो कि मेरे हिसाब से पवन सिंह जी का बहुत ही ज्यादा फेमस सॉन्ग है, वन ऑफ द हिट सॉन्ग है। और ये सॉन्ग 4 साल पुराना है, लेकिन आज भी जब इस सॉन्ग का म्यूजिक बजता है ना भाई साहब, तो हम किसी और की, लोगों की परवाह किए बिना खड़े होकर सीधा म्यूजिक पे डांस करने लगते हैं। मैं भी करने लगती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। और इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, तो इससे पहले मुझे कमेंट, मैं ऑलरेडी दोनों पार्ट के लिए कमेंट आया हुआ है कि आप इसका इस पे मतलब फर्स्ट पे भी करो और सेकंड पे भी करो। तो फर्स्ट में है पवन कुमार जी एंड सेकंड में है हमारे खेसारी लाल यादव जी, तो हम दोनों पे करेंगे रिहा। तो पहले हम लोग कर लेते हैं पवन कुमार जी वाले, छलकत हमरो जवनिया ए राजा। ओह, नाम सुन के पता चल जाता है इसका म्यूजिक। पता है जब भी ये सॉन्ग का नाम लो ना, म्यूजिक माइंड में आने लग जाता है, ऐसा करके म्यूजिक आने लग जाता है। सो ज्यादा टाइम बिना खराब किए वीडियो पे चलते हैं। तो तैयार बने रहो वालों, तैयार बने चले वीडियो पे। छलकत हमारो जवनिया ए राजा, मेरा मन करता है घर में खड़े होकर डांस करने का। Oh,
छलकता हमरो जवनी आए राजा, मेरा नहीं सॉन्ग का टाइटल था ये। सो ये सॉन्ग 4 साल पुराना है, लेकिन आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि ये सॉन्ग मुझे इतना पसंद है। इनफैक्ट सॉन्ग नहीं कह सकते, इसका म्यूजिक मुझे इतना पसंद है कि इसके म्यूजिक पे 2-3 सॉन्ग्स बने हुए हैं। एक निरहुआ और आम्रपाली जी का भी सॉन्ग है, रानी धरतानी आज महानगरी करके समथिंग सॉन्ग है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़ा होली का टचअप डाल के वो सॉन्ग बनाया गया है। इस म्यूजिक पे जितने भी सॉन्ग बने ना, मुझे बहुत ही मजा आता है। ये म्यूजिक ही मुझे बहुत मजा आता है सुन के, एकदम मन कर जाएगा एकदम से डांस करने लग जाओ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वीडियो में कितना एंजॉय कर रही थी। सो इसके 2 पार्ट रिलीज हुए थे, छलकता हमरो जवनिया और छलकता हमरो जवनिया 2, जिसके अंदर है खेसारी लाल जी। तो मुझे दोनों के लिए ही कमेंट आया हुआ है, किसी ने मुझसे कहा था कि आप इस पे करो पवन सिंह जी वाले पे, किसी ने मुझसे कहा था खेसारी जी पे करो। तो मैंने कहा क्यों कॉम्पिटिशन बढ़ाना, दोनों पे कर देंगे रिएक्ट। सो गाइज इस पे रिएक्ट करके तो मुझे तो बहुत ही मजा आया, आप लोगों को भी आएगा मजा, मैं श्योर हूँ। ये वीडियो देख के आप लोगों को जरूर मजा आएगा। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि कमेंट में बताना है कि मेरा रिएक्शन कैसा लगा और मेरे छोटे छोटे डांस कैसे लगे। और वीडियो को लाइक करो यार, बिना लाइक के वीडियो प्लीज यार ऐसे मत करो। अगर वीडियो को लाइक कर दो, मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सब्सक्राइब तो सिर्फ एक बार का काम है कि नहीं, वो कर दो, घंटी बजा दो। बस घंटी बजाओगे तो घंटी की आवाज आपको भी सुनाई देगी टिंग वाली, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी, और आप लोग तुरंत देख लोगे कि आ गया शिखास वर्ल्ड का नया वीडियो। सो देखते हैं। सो गाइस, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और कुछ नहीं करना आप लोगों को, हर बार सिर्फ 3 चीज करना है और सब्सक्राइब तो सिर्फ एक बार ही करना है आप लोगों को। तो कर लो फटाफट, काम करके ना खत्म करो, आज की काम ना कल पे मत टालो, वो सही नहीं होता, बर्डन बन जाता है। इससे अच्छा तुरंत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। और जो लोग ये सारे काम कर ले ना, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, हर वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इतने काम जो लोग कर ले वो अपना नाम मुझे कमेंट में बता दे, उनके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे हम फॉर श्योर। सो तब तक आप लोग नहीं, तब तक रवा लोग रखे अपन ख्याल। हम चला था नहीं, मेरी टंग इतनी स्लिप हो रही है ना गाना गा के कुछ कहने का नहीं। खैर तब तक रवा लोग रखे अपन ख्याल, हम चलाता नहीं, मिले रवा लोग से अगला वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।